जर्मन टेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान नेशनल अवार्ड विनर सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मन टेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेवेनएक्स न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एआईएमआईएम हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम पार्टी के सभी एमएलएस ने मिलकर कमिश्नर ऑफ पुलिस सीवी आनंद से मुलाकात करते हुए यति नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यति नरसिंह आनंद सरस्वती को फौरी तौर पर इसके ऊपर केस बुक किया जाए, एफआईआर लॉन्च की जाए और इसको अरेस्ट कर हैदराबाद लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आज बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ, कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम एमएलएस एमएलसीज, आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद साहब से जाकर मुलाकात की और वहां पर हमने ये कंप्लेन दर्ज कराई कि एक मलून नरसिंह आनंद सरस्वती जो डासना का रहने वाला है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीवी आनंद साहब को कहा कि आप फौरी तौर पर पहला ये करिए कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या फेसबुक हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जहां पे इस मलून की तकरीर चल रही है, उसको फौरी तौर पे निकाला जाए और इसको सख्त से सख्त दफात में इस पे मुकदमा दर्ज किया जाए और इसको अरेस्ट कर हैदराबाद लाया जाए। ये मलून फिलहाल बेल पे है और इस बेल में एक शर्त ये भी थी कि ये किसी किस्म के भड़काऊ भाषण या दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले भाषण नहीं देगा, पर इसने सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर से उसका कंटेम्प्ट करते हुए फिर से इसने बयानबाजी की और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करने की कोशिश इसने की। उसी बुनियाद पर फौरी तौर पर सीवी आनंद साहब ने साइबर क्राइम्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि पूरे प्लेटफॉर्म से फौरी तौर पर ये वीडियोस निकाला जाए और इसके ऊपर दफायत लगाए जाए। वहां से सदर मजलिस के हुक्म पे मैं खुद साइबर क्राइम्स को गया, वहां पर हमने एसीपी शिव मारुति से मुलाकात की और हमारी कंप्लेन वहां पे दी और वहां पर क्राइम नंबर 2385 ऑफ 2024 के तहत वो इस मलून के ऊपर दफायत दर्ज किए गए। 67 ऑफ आईटी एक्ट 196, 299, 351 सेक्शन 2, 352, 353 सेक्शन 2 ऑफ बीएनएस एक्ट दफात इसके ऊपर सख्त लगाए गए और हमें उम्मीद है कि इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाएगा और इसको यहाँ हैदराबाद में लाया जाएगा, तभी इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। इनकी बेल फौरी तौर पर रिजेक्ट होना चाहिए और इनको सलाखों के पीछे फौरी तौर पर डालते हुए हम मुसलमानों के जज्बात की कदर करते हुए हमारे साथ कानून के तहत इंसाफ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जर्मन टेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान नेशनल अवार्ड विनर सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मन टेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथलैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजी लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मन टेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।